कोई हमारे साथ छल करता है, कोई हमें पीड़ा देता है, तो तन दुख से और मन प्रतिशोध से भर जाता है। फिर हम प्रतिकार चाहते हैं, अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए प्रतिशोध चाहते हैं, और यही हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। तो क्या किया जाए? इसका केवल एक ही उपाय है, और वो है क्षमा। यदि प्रतिकार चाहिए तो प्रतिशोध भुला दीजिए और न्याय की ओर अपने पग बढ़ाइए, क्योंकि यही वास्तविक प्रतिकार है। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। जैसे सत्य कहना धर्म है, असत्य कहना पाप, सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म, उपकार करना, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो परिस्थिति के अनुसार चलना। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अंत में वो बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करके किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसके रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। क्योंकि आक्रमण भी आत्मरक्षण ही है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है। अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ पाप बाहुभीत हो, तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है।